गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर दिवाली पूजा। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बट दीज आर बेस्ड अपॉन एसर्शन एंड रीजन टाइप्स। ओके, एंड दिस इज द थर्ड वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, so let's start. First question, assertion: if the net external force, ठीक है, on the body is zero, यानी net external force अगर किसी body पे zero है, then its acceleration is zero. उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और रीजन है, एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स। एक्सीलरेशन जो है फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला एसर्शन जो है, इट्स ट्रू और फॉल्स? हु सेड ट्रू? Yes, Aryan, come. If the net external force on a body is zero, it means that what? किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या आता है? कोई एक सिचुएशन बताइए। यानी एक्सटर्नल फोर्स से हमको क्या समझ में आता है? बाहर से जो फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है। जैसे मैं कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, चलिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट कर रहा है कि मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, अब मूविंग हो चाहे रेस्ट, कुछ भी मान लीजिए, इस पे अगर एक्सटर्नल फोर्स, यानी इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इन पे जैसे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है नेट। अगर वो फोर्स जीरो होगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, बहुत सारे फोर्स होते हैं। अगर वो सभी फोर्स लग रहे हैं, उसका टोटल को क्या कहा जाता है? नेट। उसके लगने के बाद नेट टोटल फोर्स, बहुत सारे तरफ से फोर्स लग सकता है, ठीक है, तो उसका ओवरऑल जो होता है नेट फोर्स जो होता है, वो नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो बॉडी में एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि अब ये मान लीजिए रेस्ट पे है, अब इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स का क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो नेट फोर्स इस पे जीरो है, तो ये रेस्ट के रेस्ट में ही रहेगा। दैट मीन्स इसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन जीरो। उसी तरह मान लीजिए बॉडी मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सपोज जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगाइएगा, तब ना आपका क्या होता है? इंक्रीजमेंट चाहे डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज चाहे डिक्रीज कब होता है? जब ब्रेक लगाइएगा तो डिक्रीज होगा, चाहे और उसको स्पीड अप कीजिएगा तो क्या होता है? स्पीड होता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब, नहीं तो वो अपना जिस स्पीड से मूव हो रहा है वही स्पीड से मूव होगा। तो फोर्स लगाएंगे तभी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा तभी क्या होगा? आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है, ठीक है। नाउ गो रीजन। अब यहां पे रीजन क्या दिया है? एक्सीलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स। एक्सीलरेशन जो है फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट्स ट्रू फोर्स, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में, सेकेंड लॉ में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसके हिसाब से हम लोगों ने क्या पाया? सेकेंड लॉ के हिसाब से एम इंटू ए, ठीक है। तो ये फोर्स जो है एक्सीलरेशन पे क्या है? डिपेंड है। मास आपका कांस्टेंट रहता है,
किसी भी बॉडी का, लेकिन फोर्स बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये आपका क्या होगा, ट्रू है। आइए आपका क्या है, ट्रू है। ऊपर वाला क्या है, ट्रू है, सॉरी ये वाला आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि डिपेंड करता है, सॉरी डज नॉट बोल दिया है यहां, ये डिपेंड करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। सो योर आंसर इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू द जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, कि अगर आपका एसर्शन स्टेटमेंट ट्रू है, आपका रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट आपका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन करता है एसर्शन का, तो ए होता है आंसर। अगर दोनों ही आपके रीजन और क्या है आपके एसर्शन, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, रीजन जो है ए का एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो उस वक्त आपका आंसर बी होता है। और सी कब होता है, जब आपका एसर्शन सही हो और रीजन गलत हो, तब हमारा क्या होता है, सी होता है। और जब एसर्शन गलत हो और रीजन सही हो, तब हमारा क्या होता है, डी होता है। और दोनों गलत हो उस केस में ई होता है। तो यहां पे हमारा एसर्शन सही है और रीजन गलत है, उस लिहाज से हम यहां पे क्या कहेंगे, आंसर इज सी, ठीक है। सो योर आंसर इज सी, क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रॉकेट वॉक्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज ट्रू और फॉल्स। लीनियर मोमेंटम पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इट इज ट्रू, ठीक है। ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम पे वर्क करता है। अ रॉकेट वॉक्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटा मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटा, उस पे ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहां पे रीजन में क्या दिया है, फॉर टू बॉडीज सिस्टम व्हेन देयर इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, द सेम चेंजेस ऑकर्स इन द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी बॉट इन ऑपोजिट डिरेक्शन, तो ये भी सही है, ठीक है। मोमेंटम आपका क्या होता है, एक बॉडी का चेंज होता है तो दूसरे बॉडी में भी क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन ऑपोजिट डिरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी सही है, जैसे गन फायर करते हैं ना, तो क्या होता है, बुलेट फॉरवर्ड जाता है तो बैकवर्ड भी तो आपका आता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है ऑपोजिट डिरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन अ फायरफ्लाई, फायरफ्लाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगनू, भुगजोनी, ठीक है, जुगनू, हीट द बस, बस से टकराती है, ठीक है। ईच ऑफ देम एग्जर्ट द सेम फोर्स, दोनों ही एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं, इट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल ही होता है और ऑपोजिट भी होता है, ठीक है, तो ट्रू है। रीजन, फायरफ्लाई हैज मोर मास एज कंपेयर टू द विंड शेड्स, विंडशील्ड, फायर है, फायरफ्लाई हैज मोर मासेस एज कंपेयर टू विंडशील्ड, जो शीशा होता है आगे का रोकने वाला, उससे फायरफ्लाई का मास ज्यादा होता है, इसीलिए फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आंसर योर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास इन टू परपेंडिकुलर डिरेक्शन इज नेवर सेम। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास, यानी फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, टू एक्सीलरेट मास इन टू परपेंडिकुलर इन टू परपेंडिकुलर डिरेक्शन इज नेवर सेम, दोनों सेम नहीं होते हैं। यानी किसी भी मास को आपको क्या करना है, क्या करना है, एक्सीलरेट करना है इनटू परपेंडिकुलर डिरेक्शन में, तो वो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा इनटू परपेंडिकुलर डिरेक्शन इज नेवर सेम, यानी जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो सेम नहीं होता है। तो सही है, जरूरी है कि वो सेम फोर्स लगे। फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास, किसी भी मास, अब यहां मास तो कोई बोला नहीं ना है, ठीक है, मास पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, टू एक्सीलरेट करने के लिए इन टू परपेंडिकुलर डिरेक्शन, दो परपेंडिकुलर डिरेक्शन में इसको क्या करना है, एक्सीलरेट करना है, तो इज नेवर सेम, कभी सेम नहीं होता है। तो ट्रू है कि फॉल्स है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कोई मास है, ठीक है, अब ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाएंगे इसको क्या करने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए, ठीक है, एक्सीलरेट करने के लिए यानी मूव करने के लिए। तो वो फोर्स जो दोनों बॉडी का है वो कभी सेम होगा, अगर बॉडी सेम है तब ना सेम होगा, मास अगर सेम होगा तब होगा, मास सेम नहीं है तो कभी होगा, ये जरूरी है कि सभी बॉडी का मास सेम हो, मास सेम नहीं होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये नहीं होगा। यानी फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास इन टू परपेंडिकुलर डिरेक्शन इज नेवर सेम, लेकिन नेवर शब्द लगा दिया है तो इससे ये फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि अगर वहां पे कंडीशन तो नहीं ना बोला है कि सेम मास है चाहे डिफरेंट मास है, मास यहां पे जो लिया गया है बॉडी का, यहां पे आपका ये क्या नहीं बोला है, सेम मास या फिर डिफरेंट मास नहीं बोला है। अगर सेम मास बोला होता, ठीक है, रिकॉल द गन बी बैक व्हेन अ ब्लेड इज फायर्ड अदर किस, एनीवन, सारी हम चलो मुंह से बता सकते थे, वेरी गुड, बॉक्स पे अपना वेट डायरेक्शन दे रहा है और इसको सरफेस से वेट क्रिएशन दे रहा है, इसका जो यहां पे इक्वल पोजीशन लगा इक्वल अदर एंड से ये फोर्स मैग्नेटिज्म रहा है, बॉक्स टेस्ट पे इक्वल फोर्स लगा इसका ये रिलेट हो रहा है, ये स्पैनिक 10 न्यूटन बट लोग का कर रहे हैं, तो वेट एंड स्पैनिक दे रहा है और सरफेस पे रिएक्शन दे रहा है। यानी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वहां भी तो रहा है, यानी मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा वेट खुद क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो जमीन के ऊपर मैंने वो फोर्स लगाया, जमीन भी हमको उतना फोर्स है किया ऊपर खेल रहा है, तो वहां पे भी आपका क्या हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ एक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, सिर्फ मोशन नहीं रेस में भी होता, ठीक है, इस लिहाज इसका आंसर क्या होगा, हां सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, When a bullet is fired from a gun, gun से अगर bullet हम fire करेंगे, there is a forward force on the blade and recoil the gun. यानी जब gun से हम bullet fire करेंगे, bullet के ऊपर forward force लगेगा, आ backward force आपका क्या होगा? Bullet and the recoil the gun, gun भी backward move होगा. तो it is true or false? Statement एकदम सही है, ठीक है? True है. Reason. Every action has equal and opposite रिएक्शन, एवरी एक्शन का क्या होता है, एवरी एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, कि यहां पे जो एक्शन हुआ बुलेट फायर हुआ फॉरवर्ड गया, रिएक्शन क्या हुआ इसमें आपका रिकॉल ऑफ गन, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है।
पेन एस्ट्रोनॉट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स? एस्ट्रोनॉट्स किसे कहते हैं? स्पेस जो जा रहे हैं, यानी जो स्टडी अबाउट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स थ्रो समथिंग इन स्पेस, चीज स्पेस में फेंकते हैं, दैट ऑब्जेक्ट कुड कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड स्पेस में. ट्रू और फॉल्स? व्हाई ट्रू? वहां पे क्या नहीं है? एयर नहीं है का जी? वहां एयर नहीं है, वहां पे कोई भी किसी टाइप का फोर्स नहीं है. ग्रेविटेशन ना अर्थ का है, ना प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट वहां पे नहीं है, फोर्स एक्ट नहीं करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई ये ट्रू. नाउ रीजन, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय नेट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी यहां क्या कर रहा है रीजन में, स्टेटमेंट द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है आपका, बाय अ नेट अप्लाइड फोर्स होते हैं, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स से वो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड इससे रहता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है. एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा? एफ बाय एम. तो फोर्स जो है, एक्सीलरेशन जो है, फोर्स क्या है? ऊपर है डायरेक्टली हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ ना, मास नीचे है तो क्या हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ. तो यही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या नहीं है, सही नहीं है. ठीक है, सो योर आंसर इज बी. क्लियर? आंसर इज बी. नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. यानी एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स लगेगा, ठीक है, आसाबी फोर्स का नेट वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा. तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम. यानी वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में, स्टडी पोजिशन. इक्विलिब्रियम मतलब एक शांत स्टडी बराबर, ठीक है, दैट पोजिशन. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन मशीन्स रेफर टू द सिचुएशन व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज नॉन जीरो. तो पहले स्टेटमेंट जो दिया है एसर्शन का, सही है गलत है? अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ वो जो फोर्स पूरा लगा है, जैसे मान लीजिए बॉडी है, अभी इसके ऊपर फोर्स लगा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं. यदि द सम ऑफ द फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, जितना भी फोर्स लग रहा है उसका नेट वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है. तो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में. सही है, सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू. अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल होता है इक्विलिब्रियम इन मशीन्स में, ठीक है, वो रिफर टू द सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है. व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज नॉन जीरो, इट इज ट्रू और फॉल्स? रीड स्टेटमेंट, चेक इट. इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इन द मशीन रिफर टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज नॉन जीरो. ऊपर क्या है? जीरो है तो इक्विलिब्रियम, नॉन जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, तो फॉल्स. ठीक है, सो योर आंसर इज सी. व्हेन वी सीट ऑन चेयर, जब हम क्या करें? चेयर पे बैठते हैं. बैठे हो? नहीं बैठे चेयर पे, क्योंकि जब तक जिस चीज के बारे में उस अनुभव नहीं होगा तो कोई थोड़ी समझ में आएगा. तो चेयर पे सब लोग बैठे हो. आवर बॉडी एग्जॉर्ट, हमारा बॉडी क्या करता है? जब चेयर पे बैठे हैं तो एग्जॉर्ट फोर्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या करता है? एग्जॉर्ट करता है फोर्स. एंड दैट चेयर नीड टू एग्जॉर्ट इक्वल फोर्स, चेयर को उतना इक्वल फोर्स करना पड़ता है, एग्जॉर्ट करना पड़ता है अपर डायरेक्शन और टू द चेयर विल बी कोलैप्स्ड.